देवी अरुंधति, मेरे जीवन में आनंद की फुहार बनकर आई हो तुम, हर्ष की वर्षा बनकर आई हो तुम, और उससे भी पहले श्रद्धा और भक्ति का सगुण रूप हो तुम। वो रूप पाने के लिए जो कष्ट तुमने सहे हैं, उनका वर्णन करना अशक्य है। तुम महान हो, श्रद्धा की पात्र हो, मेरा तुम्हें बार बार नमन। मुझे लज्जित न करिए स्वामी, संध्या का प्रायश्चित और अरुंधति का ये रूप आप ही के कारण संभव हुआ है। यदि आप मुझे शिव भक्ति की महिमा न सुनाते, देवादि देव शिव शंकर को मनाने का मंत्र न देते, तो आज हम दोनों का इस रूप में मिलन न होता। स्वामी, इस प्रकार जो भी हुआ है उसका संपूर्ण श्रेय आप ही को जाता है। इसका संपूर्ण श्रेय देवाधिदेव शिव शंकर जी को जाता है, मुझे नहीं। जगत में जो कुछ हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, वो सब कुछ देवाधिदेव की इच्छा के अनुसार ही होता है। सर्व कर्मों के कर्ता धर्ता श्री शिव ही हैं। संसार में सुख दुख का सामना करने का एक ही महामंत्र है, जो असंभव को संभव, अप्राप्य को प्राप्य कर दिखाता है, और वो महामंत्र है ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। स्वामी, ये क्या हो गया है आपको? जब से आपने संध्या पर पुष्पाण का प्रयोग किया है, इसी तरह खोए खोए से दिखाई दे रहे हैं। केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप किए जा रहे हैं। स्वामी, यदि इस तरह आप ही विरक्त रहे तो मेरा क्या होगा? मैं भयभीत हो गया हूं प्रिय। भयभीत? किंतु किस कारण? मैंने संध्या पे जो पुष्प बाण का प्रयोग किया था, उसके परिणाम से तो तुम भली भांति परिचित हो। कहीं ऐसा ना हो कि इस परिणाम का प्रकोप मुझे भुगतना पड़े। नहीं स्वामी, आपने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है, और कर्तव्य भावना से ऊंचा होता है। निसंदेह ये कोई अपराध नहीं है। परंतु रति, यदि भविष्य में कोई ऐसी अमंगल घटना घटित हो गई तो क्या होगा? नारायण नारायण। पुष्प धनवा भ्राता कामदेव, मुझे देखकर इस प्रकार आंखें चुराकर कहां भाग रहे हो, और देवी रति कहां अदृश्य हो गई? प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण, मैं तो तुम्हारा भ्राता हूँ कामदेव, मुझे देवर्षि का सम्मान देकर लज्जित न करो। सम्मान तो आपको देना ही चाहिए। अच्छा, अब मुझे प्रस्थान के लिए आज्ञा दीजिए। अरे भाग कर रहे हो भ्राता, मेरी पूरी बात तो सुन लो। आज्ञा कीजिए भ्राताश्री। अपने पुष्प बाणों से विचलित करके तुमने संध्या का तो कल्याण कर ही दिया। नारायण नारायण। कल्याण? वो कैसे? देवऋषि, ऐसा प्रतीत होता है कि संध्या पे किए इस प्रयोग का मुझे प्रायश्चित करना होगा। नहीं कामदेव, तुम्हारे इस पुष्प बाण के प्रयोग से संध्या का यज्ञ में पुनर्जन्म हुआ है। इस प्रकार संसार को दो संध्याएं प्राप्त हुई हैं, एक प्रातः संध्या और एक सायं संध्या। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि संध्या की रचना में मेरा भी योगदान है? निश्चित ही। केवल इतना ही नहीं, संध्या महासती अरुंधति के रूप में महर्षि वशिष्ठ की पत्नी बन गई है। भ्राता, अब अपने पुष्प बाणों का प्रयोग किस पर करने की सोच रहे हो? देवर्षि, मुझे ये चिंता सताए जा रही है कि कहीं मेरे पुष्प बाणों के प्रयोग से किसी का अनर्थ ना हो जाए। अर्थात? अर्थात ये कि अब मैं अपने पुष्प बाणों का प्रयोग सोच समझ कर करूंगा, जिससे भविष्य में मैं किसी विपदा में न उलझूं। भ्राता,
व्यर्थ की चिंता न करो। वर्तमान वर्तमान तो उज्जवल है ही, और भविष्य चराचरपति शिव शंकर के अधीन है, और यही सनातन सत्य है। मेरी बात मानो, परमपिता ब्रह्मा ने जो तुम पर दायित्व सौंपा है उसे अपना कर्तव्य मान, पुष्प बाणों का उचित समय पर उपयोग करते चलो, यही तुम्हारा धर्म है और कर्म भी। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। परमपिता ब्रह्मदेव की जय हो। ओम नमः शिवाय। आओ नारायण, तुम्हारा स्वागत है पुत्र। देवर्षि, इस बार क्या समस्या लेकर आए हैं? समस्या नहीं, मन में एक प्रश्न लेकर आपके दर्शन के लिए आया हूं मैं परमपिता। तुम तो स्वयं साक्षात प्रश्न हो, तुम्हारे आने का अर्थ है प्रश्न सम्मुख आ गया। पूछो, क्या पूछने के इच्छुक हो? मैं अभी अभी भ्राता कामदेव से मिलकर आ रहा हूं। संध्या प्रकरण के पश्चात वे अत्यंत विचलित रहने लगे हैं। अब वे अपने पुष्प बाणों का उपयोग करने से भयभीत होते हैं। ये उचित ही है नारद, उस समय तो कामदेव किसी तरह बचकर भाग निकला, किंतु अब उसे बहुत सोच समझकर अपने पुष्प बाणों का प्रयोग करना होगा। कामदेव को विवेक से अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। आप सत्य ही कह रही हैं देवी सरस्वती, परंतु कामदेव ने अपने पुष्प बाणों का जो प्रयोग संध्या पर किया था वो तो शुभ ही रहा। देवी संध्या अब सती अरुंधति बन गई है और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम की शोभा बढ़ा रही है। हाँ, सो तो है। भगवान शिव के प्रत्येक कार्य का उद्देश्य उत्तम होता है, चाहे कुछ समय के लिए वो दुखदायी ही क्यों ना दिखाई दे। देवी, मेरे पहले प्रश्न का समाधान तो हो गया, परंतु दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है वो भी पूछ लो। आपकी पौत्री मेरी भतीजी दक्ष पुत्री सती बेचारी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शिव आराधना कर रही है, उसका क्या होगा? शिव आराधना का परिणाम तो कल्याणकारी ही होता है, इस विषय में कभी कोई शंका मन में मत लाओ नारद। परंतु आप भ्राता दक्ष को समझाते क्यों नहीं कि सती की शिव भक्ति का विरोध करना छोड़ दे? ये असंभव है नारद, दक्ष अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ेंगे। अर्थात सती को अपने तप के बल पर ही पिता के विरोध का सामना करते हुए अपना अभिष्ट प्राप्त करना होगा। हाँ नारद, जो हो रहा है शिव की इच्छा से हो रहा है, तुम इस विषय में चिंता करना और प्रश्न उठाना छोड़ दो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर्वेश्वर भोलेनाथ, क्या मेरी आराधना में कोई त्रुटि रह गई है या आप मेरी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं? ये मैं नहीं जानती, किंतु स्वामी आप मुझे शीघ्र ही दर्शन दीजिए। मेरी आंखें आपके दर्शन के लिए तरस रही है स्वामी, तरस रही है। ओम नमः शिवाय। शिव 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 शिव। यहाँ तो किसी की परीक्षा हो रही है, और किसी की परीक्षा और आराधना में विघ्न डालना उचित नहीं है नारद। चुपचाप यहाँ से निकल चलो। राता दक्ष का महल तो सूना पड़ा है, कहाँ गए होंगे सब लोग? चलो नारद, भावज वीरणी के कक्ष की ओर, कदाचित वहां भेंट हो जाए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम भावज वीरणी, अपने देवर नारद का प्रणाम स्वीकार करें। विराजिए देवर्षि। नारायण नारायण। मैं आपके लिए केवल देवर हूँ, देवर्षि नहीं। और ये क्या भावज, आप चिंता में डूबी हुई हैं? मुझे किस बात की चिंता है देवर जी? बस
सती के बारे में सोच रही थी। सती? पता नहीं उसकी तपस्या कब सफल होगी। नारायण नारायण। भावज, सती तो शक्ति का अवतार है, शिव जी को उनकी प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी। अब उनकी प्रार्थना स्वीकार होने में अधिक समय नहीं लगेगा। सच कह रहे हैं देवर जी। क्या आपको अपने देवर से असत्य की अपेक्षा है? मैं तो असत्य से भागता रहता हूँ और भक्ति और जन कल्याण के मार्ग पर चलता रहता हूँ। ये क्या भावज, आप फिर सोच में डूब गए? क्या करूं, आपके भ्राता और मेरे स्वामी का रूखा व्यवहार देखकर तो कभी कभी भय लगता है। उनके रूखे व्यवहार के आपने अच्छी कही। उनका तो जन्म ही परमपिता ब्रह्मा जी के पैर के अंगूठे से हुआ है। वो तो हर भली वस्तु को ठोकर मारने की ही सोचते रहते हैं। नारायण नारायण। और भगवान शिव जी का नाम लेते ही वो शिव 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 शिव। भगवान भोलेनाथ उनको सद्बुद्धि दें, इतना ही मैं कह सकता हूँ। महाराज की जय हो। लो, जिनका नाम लिया वो पधार भी गए। अब मैं चलता हूँ। ठहरिए ना देवर जी, तनिक आप ही ने समझाइए। शिव 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 शिव। क्या ये हठी जीव समझाने से समझने वाले हैं? नारायण नारायण। अरे नारद जी आप? नारायण नारायण। भ्राता नारद कहिए ना भैया। आपके मुख से भ्राता शब्द सुनने के लिए ही तो मेरा आगमन यहाँ हुआ है। कहिए भ्राता नारद, कैसे हैं आप? तो चारों ओर भ्रमण करते रहते हैं। आपने हमारी शिव की धुन में खोई बेटी को भी कहीं देखा होगा। अब आप ही बताइए, क्या एक राजकुमारी को ये पागलपन शोभा देता है? आप उसे समझाते क्यों नहीं कि वो ये बचपना छोड़ दे, अब वो विवाह के योग्य हो गई है। नारायण नारायण। वो विवाह के लिए ही तो शिव आराधना कर रही है। क्या आप इतना भी नहीं समझते? उसकी आराधना सफल होगी, भगवान भोलेनाथ के साथ उसका विवाह होगा। इसमें आपको संदेह क्यों हो रहा है? नारायण नारायण। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण। भावज, आप क्यों व्याकुल हो रही हैं? होगा वही जो भगवान शिव शंकर को स्वीकार होगा। नारायण नारायण। मेरी सती का क्या होगा, क्या होगा मेरी सती का, मेरी सती का क्या होगा? मैं तुम्हें एक नहीं अनेक बार समझा चुका हूँ कि सती को शिवाराधना साधना करने से रोको। उसे समझाओ महारानी कि वो अपने मन में शिव के प्रति इतनी निष्ठा भक्ति जगाकर अनर्थ ना करे। जो स्वयं अपने होने का अर्थ जानने के प्रयास में लगा हो वो कोई अनर्थ कैसे कर सकता है? और रही बात सती को शिव की आराधना उपासना करने से रोकने की, तो स्वामी आराधना उपासना निष्ठा ये तो मन की भावनाएं होती हैं, और भावनाओं पर भला कोई कैसे अंकुश लगा सकता है? ये सब कहकर तुम हमारी अवज्ञा कर रही हो महारानी। मैं ऐसी धृष्टता कैसे कर सकती हूँ? धृष्टता? धृष्टता नहीं तो ये हमारी आज्ञा का पालन भी नहीं। महारानी, माँ होने के नाते अपनी संतान का शुभ अशुभ सोचना तुम्हारा कर्तव्य है, तो पथ भ्रष्ट होने पर उसे उचित मार्ग दिखाना तुम्हारा धर्म भी है। आप संभवतः उचित कह रहे हैं स्वामी, परंतु हमारी सती ना तो कोई अशुभ कार्य कर रही है और ना ही वो पथ भ्रष्ट हुई है। वो वही कर रही है जो उसके ज्ञान के अनुसार उचित है। तुम्हारा तात्पर्य है कि सती इस योग्य हो गई है कि उसे ज्ञान अज्ञान का बोध होने लगा है? नहीं महारानी नहीं, तुम्हारी ये सब बातें बुद्धिमता का परिचय नहीं दे रही। मैं आपके समान बुद्धिमान नहीं स्वामी, किंतु इतनी बुद्धिहीन भी नहीं कि तुम्हारी बुद्धिमता के दर्शन तो इसी सत्य में हो रहे महारानी कि अपनी अन्य युवा कन्याओं की अपेक्षा तुम्हें केवल सती की चिंता अधिक रहती है। तुम्हारी ममता नेह स्नेह सती के प्रति अधिक है। ये आपका भ्रम है स्वामी, सत्य नहीं। शरीर को अपने प्रत्येक अंग से एक सामो होता है, पुष्पमाला को अपने प्रत्येक पुष्प से
एक सा स्नेह होता है, मुझे भी अपनी हर संतान से एक सा। शब्दों को उपमाओं द्वारा अलंकृत करने की योग्यता तो तुम में है, ये मैं जानता हूँ महारानी, परंतु क्या तुम मुझे ये बताओगी कि सती के लिए शिवाराधना ही क्यों आवश्यक है? मैं कहता हूँ कि शिव की अपेक्षा श्री हरि विष्णु जी की आराधना भी तो हो सकती है। हो सकती है, परंतु केवल श्री हरि विष्णु की आराधना करने वाला शिव जी का प्रिय भक्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार शिव जी की आराधना करने वाला श्री हरि विष्णु का परम भक्त नहीं हो सकता। श्री हरि विष्णु और शिव जी दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इस हेतु श्री हरि विष्णु की उपासना करने वाले पर भोलेनाथ सदा प्रसन्न रहते हैं, और अजर अमर सदाशिव की उपासना करने वाला श्री हरि विष्णु की कृपा का पात्र होता है। महारानी, हमने तुमसे सती के मन में विवेक जगाने की बात कही थी, और उत्तर में तुमने ज्ञान भक्ति का पूरा अध्याय सुना डाला, परंतु एक सत्य ध्यान पूर्वक सुन लो महारानी, कि हम सती की शिव भक्ति का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। हम उसका गुणगान कभी नहीं सुन सकते, हमें शिव से घृणा है, घृणा। शिव से घृणा और स्नेह करना मनुष्य के वश में नहीं होता, वो भी केवल शिव की इच्छा पर ही निर्भर होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।